तूफान आया है, इस कदर आंधी चल रही है, एकदम से चीजें उड़ना शुरू हो गई हैं, और हम लोग शादी में जा रहे थे, पहले मैं तो डर गई, मैंने कहा कोई जिन भूत है चुड़ैले, भाई चीजें उड़ रही हैं, ओह माय गॉड ये देखे मट्टी कैसे आ रही है, और हम रास्ता भी भूल गए और यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई क्या करें, ऐसे मट्टी का तूफान आ रहा है, और अभी बारिश की बात कर रहे थे कि बारिश होगी, ये देखो कितना ज्यादा एकदम से कराची में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये हाल है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त कौन सी जगह है भाई, गोधरा में इस वक्त ये हाल है, और एकदम से वेदर चेंज हुआ है, और ये रोड आई थी कितनी कच्ची है, तो मट्टी थी, मट्टी की वजह से जो बीच का व्यू मैंने रिकॉर्ड किया, जो पहले से रिकॉर्ड है, वो तो ऐसा था लग रहा था कोई जिन भूत है चुड़ैल है जो हवा फेंक रही है, मट्टी फेंक रही है, ये साथ गिर जाएगा बच्चा, यहाँ के टंकी पे बिठाओ बच्चे को, अपने साथ कमर के साथ बांध लो या टंकी में बिठाओ, गिर जाएगा छोटा है, आदत तो है, लटका हुआ बेचारा यार, नहीं करो भाई छोटा है इसको, बोले छोटा यार, इतना तेज बच्चों को ना बिठाया करें यार, उनको नहीं पता चलता अगर ये गिर जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, वो कह रहा है आदत है, बारिश में हो गई है, नहीं शादी में हो गई है बारिश, और एकदम से मौसम चेंज हुआ, जो हम लोग आए तूफान शदीद वाला था, और एकदम से वो लाइटें बंद होने चुके हम लेट आए, और बारिश भी शुरू हो गई है, सवेरे से लेट लाइटें बंद की जा रही हैं, और इस वक्त यहाँ पे चीज़ें पैक की जा रही हैं, बैठे हुए खाना खा रहे हैं, और ये इनकी मैसेज हैं प्यारी सी क्यूट सी वैसी की वैसी, लगता है इन्होंने एल्फियाँ लगाई हुई, बड़ी नहीं रहे मेरा भाई, और खाना वो सब लोग खा चुके हैं, और इनके भाई का आज वलीमा है माशाल्लाह, तो बाकी रोटे एकदम से बहुत ज़बरदस्त किस्म का तूफान के बाद एकदम से हालात और वाकया चेंज हो गए, तो खैर कहते हैं रोटी खोल रहे तो रोटी खुल गई है, खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, लेकिन बस जल्दी जल्दी सब क्विकली करेंगे क्योंकि बारिश स्टार्ट है, और उसके बाद कपड़े हो जाएंगे मेरे ख़राब, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी यहाँ से मिले। अच्छा ये उतारा जा रहा है, फैंसी लाइट से इनको उतारा जा रहा है क्योंकि करंट कट लगने का इशू होता है, मैंने बड़ा खूबसूरत है फैंसी ड्रेस पहना है जो भी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो लाइट बच चुकी है, तो ये जो उतारी जा रही है इतना खूबसूरत लग रहा है, मैं मजे का काम हुआ है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत है, पिक्चर से देखिएगा उठ नहीं सकती, और कोई वीडियो प्रॉपर बनाने वाला नहीं है इस ड्रेस से, मैं बना नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कहा चले आपको ऐसे ही बना दूँगी माजी, खाना खा रहे हैं आते आपसे बात करेंगे, खाना हो रही है बारिश, और हवा तेज और तेज चल रही है, और शदीद मजे का मौसम हो गया है, हालांकि धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, लेकिन साथ के साथ ये बारिश भी हो रही है, मेरी अम्मी का हुआ है 2 दिन पहले आँख का ऑपरेशन, तो अभी ये चश्मे के साथ बाहर बिठा दिया गया इनको कि आप हवा के मज़े लें, तो ये ज़रा बाहर आके बैठ गई हैं, हमें कुलसुम ने बताया कि जी बारिश हो रही है, ओहो 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 बहुत ही मज़े का वेदर, और अच्छी 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 बारिश है, ज़बरदस्त किस्म की बारिश है, अच्छा हवा बहुत है इस वजह से आवाज़ कितनी खूबसूरत, अम्मी को ना मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, बैठी हुई अम्मी, एहसन मम्मा बुला रही बेटा, ठीक है ये बारिश चक्कर है, वाह वाह वाह, और मैं जरा शूट पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, और शूट पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो मैं जरा तैयार हो जाऊँ, बाकी बातें बाद में करती हूँ, क्योंकि मैं ज़रा घूम जाऊँ, मैं आदि मेकअप में नहीं हूँ, इसलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, ये शेर को उठा लिया जी, शेर को एहसन ने उठाया, और ये शेर को उठा के लेके जा रहा है, ये शेरों को उठा के लेके जा रहा है एहसन, हाँ अम्मी ने कहा बेटा पुत्र शेर को उठा के कहीं और बिठा दे इससे पहले कि ये भीग जाए, शेर तो एहसन से भी बड़ा है यार, ये तो मैंने भी देखा है, चलो जी ये अम्मी के पास बैठ गया है, बेचारे की आजकल यही हालत हुई हुई है, शेर की हालत चेक करें रंग बिरंगी हो गया है, टाइगर है सॉरी टाइगर है अम्मी कह रही टाइगर है, शेर ना कहूँ, अभी कह रही वो ऊपर वाला भी देखो, नहीं शेर नहीं कहो टाइगर है, था तो शेर पर अब इस तरह का हो गया कपड़े से, ये मेरे कपड़े से इसने कर दिया इसलिए रिकॉर्डिंग पे जाने के, और फिर धूप निकल आई है, वाह 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 वाह, ये देखे आए हाय सूरज पड़ा है आंखों में, और मैं जरा तैयार हो जाऊँ बाकी की बातें बाद में करेंगे, दादा जी हम निकल चुके हैं काम पर, और थोड़ी सी बारिश हुई धूप में और ख़त्म हो गई, वेदर थोड़ा चेंज होगा शायद।
लाहौर में तो कल ओले पड़े, काकू मेरी बहन गई हुई है तो वहाँ बारिश शदीद वाली थी और साला बारी ऐसी हो रही थी, गाड़ी में ठक 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 करके आवाजें आ रही थी और मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे थी तो इतना मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पत्थर मार रहा हो गाड़ी के अंदर। और मैंने कल फर्स्ट टाइम देखा लाइव, बना सुना है लेकिन देखा नहीं है। खैर चले जी, हम लोग काम पे जा रहे हैं और ये लोग अपने कामों में लगे पड़े, एक गाने वाने सुन रहा है कोई, तो मोहित के पास अभी कोई काम नहीं है तो वो मोबाइल वाइल देख रहा है शायद। नहीं भाई के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबको खैरियत से पहुँचाना, और पीछे जो एक बहुत बड़े साहब बैठे हैं, बड़े साहब बड़ा बड़ा मंजन बेच रहे हैं, बात कर रहे थे 12 घंटे हाँ एक्टिव, 12 घंटे एक्टिव और 12 घंटे प्लानिंग। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं काम पर और इसके बाद फिर देखें क्या होता है। खैर आज की स्टोरी नहीं बताऊँगी अभी, अभी हम जब पहुँच जाएंगे क्योंकि फिर वो इधर रोना धोना फिर ये सब कुछ। चले साजिद भाई मोबाइल तरफ देते हैं क्योंकि वो सर के जाए गाड़ी लॉक करते हैं, वहाँ से बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। अच्छा कितने साल उम्र थी इसकी? भाई का बाजा नहीं बज रहा, एकदम से बंद हो गया है मुँह से बस बोलती बंद हो गई, कह रहे टूटू बंद हो गई, अब मैं किससे करूँ टूटू, घटने का नाम नहीं ले रहे, टूटू बंद हो गई इनकी। साजिद भाई को एकदम से सर्दी लगी, अभी तो सर्दी आनी है, आनी सर वो आ रहा है वो और तेज हो रहा है, ये सही कह रहे हैं। अरे जी बस पहुंचने वाले हैं अभी और आगे। आज का जो प्रोग्राम था वो तो टेक्निकल बुनियादों पर वो तो कैंसिल, हाँ जी लेकर मजाक से हटके वो इसलिए कि जिस फैमिली के पास गए थे तो वहाँ थोड़े इश्यूज थे और पुलिस वालों ने अभी उनको बोला था कि अभी फिर हाल आपने प्रोग्राम नहीं कराना और 24 आवर दिए हैं कि हम उसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई अच्छी प्रोग्रेस करें, जिसकी वजह से फैमिली बहुत अच्छी, अभी हम जहाँ गए थे स्टील टाउन की तरफ वहाँ पर एक 2 दिन पहले घर के बाहर स्नैचर ने मोबाइल छीना और उसके बाद उसको मतलब छीनने पर थोड़ी सी गहमी हुई और वहाँ पे उसने फायर किया तो वो शख्स वहाँ पे मर गया। तो हम उस फैमिली को कवर करने के लिए गए थे लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पे हमने उसको शूट नहीं किया, तो खैर यहाँ से हम घर जा रहे हैं और इसलिए हमें आज मजाक सूझा कि हमारा आज का प्रोग्राम तो हो गया, तो अब यहाँ से घर जा रहे हैं और अभी फिलहाल कोई नई प्लानिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी एपिसोड कोई लाइनअप नहीं है, जो लाइनअप था वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लग रहा है मुझे इस वक्त, शायद मेरे चश्मे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चश्मे काले हैं तो काले में सूरज बड़े मज़े का लग रहा है, बादल ही बादल। और हम ये स्टील टाउन का ही रास्ता है ना? हाँ ये रास्ता है, हमने यहाँ गए थे अंदर यही है, बड़ी पुलिस वुलिस लगी है भाई आजकल, बड़ी चेकिंग शेकिंग हो रही है मैंने सुना है और ट्रैफिक वाले बड़े एक्टिव हुए हैं आजकल भाई, ये देखें ट्रैफिक वाले कितने एक्टिव हुए हैं, ये यहाँ पे तू आ जा साड़ी खैर है, तू लंग जा साड़ी खैर है, खतरा यहाँ से जरा आगे चलते हैं और फिर हम देखाते हैं। और ये अकेले जाने अकेले जी अकेले वो भी अकेले अकेले और यहाँ से ट्रक देखे, मुझे लग रहा है पंजाब जा रही हूँ, जब आप कहीं जाते हैं ना पंजाब की तरफ जो मेन सिंध का एरिया है वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सक्कर से आगे तो रोड बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन सक्कर से पहले रोडें बहुत बुरी हैं, तो ऐसा ही है। यहाँ पे आपको मशीनरी सारी नजर आ रही होगी हैवी सारी की सारी, और बस आ गई मुझे नजर, ये कौन सी बस है भाई? मेट्रो हैदराबाद जाएगी है? टावर तक जाएगी जी, देख रहे हैं पीछे कमीने क्या देख रहे हैं पता नहीं। चलिए मैं यही खत्म कर देती हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो नहीं हुआ, हम घर जा रहे हैं, बाकी की बातें घर जाके करेंगे, धूप तेज़ है क्लासेस नहीं उतार सकती और कल का मौसम चेंज हुआ था, आई थिंक कराची में मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा इस महीने के एंड से, लेकिन पंजाब में बहुत मज़े का वेदर हो रहा है, बहुत मज़े का, मेरा दिल चाह रहा है पंजाब जाने को लेकिन अभी नहीं, हमने जाना है रहीम खान इंशाल्लाह मोहम्मद अली से मिलने इंशाल्लाह, तो लेकिन अभी नहीं, अगले महीने और से अगले महीने का प्लान है हमारा नवंबर का दिसंबर का इंशाल्लाह हम जाएंगे फिर से, बट ये देखें तो
दोबारा से बट्टी वट्टी उड़ रही है और लग रही बारिश हो जाए ताकि बाइक वाले कितना मुश्किल है इनके लिए बाइक, और रास्ते में ऐसे इन्होंने रख दिया है कि पता ही ना चले, बाइक वाले के लिए गाड़ी चलाना सब बहुत मुश्किल है जब ऐसा मौसम हो तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आँखों में गर्द ना जाए, जब गर्द मिट्टी जाती है तो आपको नज़र नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा तो आप ऐसे बड़े बड़े ट्रॉलों में घुस जाएंगे बड़े बड़े और आप हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो खैर बाकी बस अल्लाह पाक करे को महफूज रखे ऐसे हालात से, और इसके साथ ही बस अब हम आप नईम भाई की तरफ से मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सबकी तरफ से जो पीछे बैठे हैं उनकी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।